है वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, स्पोकन करने में ग्रामेटिकल बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं हम लोग। बहुत सारे स्पोकन में हम लोगों को परेशानी होती है, बहुत सारे समस्याएं आती हैं जब हम बोल नहीं पाते, अंग्रेजी में कुछ कर नहीं पाते। तो अंग्रेजी के लिए हमने क्या किया है कि बहुत सारे कुछ फ्रेजेस टाइप के, कुछ हमने कंजंक्शन टाइप के, को रिलेटिव टाइप के लिया है, जिसमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर स्पोकन, यानी अंग्रेजी करने क्रम में व्हाइल स्पीकिंग वी फील लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं और इस वर्ड्स के बाद मैं आपको एक एक का सेंटेंस बना करके भी दूंगा ताकि आप सेंटेंस को बोल सको। जैसे आप डिमांड करते हो, सर ये आपने दिया, अब सेंटेंस दे दो, तो सेंटेंस बोलना आ जाएगा सर। तो सेंटेंस क्या है? जब तब। अब वर्ड बोलते हैं जब तब, व्हेन देन। अब जब तब का मतलब क्या हुआ? जैसे जब तुम मेरे पास आओगे तब मैं पढ़ाऊंगा, जब तुम उसके पास जाओगे तब तुम्हें पीटेगा, जब तुम ऐसा काम करोगे तब वैसा होगा। तो जब और तब का एक मेल होता है, तो हम लोग उस मेल को बोल नहीं पाते। तो आज मैं एक एक करके पूरी बात सिखाऊंगा, एक एक का एग्जाम्पल दूंगा, तब आप क्लियर कर पाओगे। पहले एक एक तुम समझ लो, एक एक पॉइंट आ जाए। जब तुम पढ़ोगे तब तुम पास कर जाओगे, जब तुम मेरे पास आओगे तब तुम अच्छा कर जाओगे, जब तक तब तक, टिल द टाइम, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक पास कैसे होगे, जब तक तुम वहाँ नहीं जाओगे वो तुम्हें कैसे पीटेगा, जब तक तुम ये काम नहीं करोगे वो काम कैसे होगा। समझ पा रहे हो आप लोग? अब अगला देखो, तब से, जब से, तब से, सिंस द टाइम, जब से वो आया है तब से कोई काम नहीं किया है, जब से वह दिल्ली से गया है मैं उसे नहीं मिला हूं। तो जब से तब से, तो जब से तब से, इसको पूरा सेंटेंस में कैसे बनाएं? तो अभी बनाकर दे रहा हूं ना आपको, पहले के कर सुनो। जब तक नहीं तब तक, अनटिल या अनलेस का प्रयोग करते हैं। तो जब तक तब तक, अब आने वाले में हम लोग यहां पे डॉट डॉट के बाद कॉमा से काम चलाते हैं। तो अनटिल या अनलेस, जब तक नहीं तब तक, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं पास नहीं करोगे, जब तक तुम आगरा जाओगे नहीं ताजमहल नहीं देखोगे, जब तक तुम दिल्ली आओगे नहीं लाल किला नहीं देखोगे। तो जब तक तब तक, तो जब तक नहीं, जब तक नहीं, अनटिल अनलेस, इसके साथ नॉट नहीं लगाएंगे, अनटिल अनलेस के साथ, यदि तो, यदि तो, यदि तुम पढ़ोगे तो पास कर जाओगे। तो इफ के साथ देन नहीं लगाते तो के लिए, इसको ध्यान रखना है कि इफ के साथ यहाँ पे देन नहीं लगाते, अनटिल अनलेस के साथ कॉमा से काम चलाते हैं, यहाँ भी कॉमा दे देते हैं, ठीक है। तो यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो यदि के साथ क्या लगाना? तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये सब का मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में बेहतर आ जाए। तो आइए देखते हैं एक से एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है, जब मैं दिल्ली में था तब मैंने एक नुमाइश देखी थी प्रगति मैदान में, जब मैं दिल्ली में था तब मैं एक एग्जीबिशन देखी थी प्रगति मैदान में। नुमाइश का मतलब क्या है? एग्जीबिशन। हमने एक एग्जीबिशन देखा था, प्रदर्शनी देखा था, कहाँ देखा था? प्रगति मैदान में। अब देख लिया आपने, तो व्हेन आई वाज इन दिल्ली, व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई सॉ एन एग्जीबिशन इन प्रगति मैदान, व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई सॉ एन एग्जीबिशन इन प्रगति मैदान। तो यहां पे हमने बात किसे किया? वेन का, देन का। तो वेन आई वाज इन दिल्ली, अब देन यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि देन को आप भूल जाओ, तो देन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो वेन आई वाज इन दिल्ली आई सॉ एन एग्जीबिशन इन प्रगति मैदान, इस तरह से आपका ध्यान आ जाएगा। जब तक आप न कहें तब तक मैं नहीं जाऊंगा, जब तक आप न कहें तब तक मैं नहीं जाऊंगा, यानी आई विल नॉट गो अंटिल यू से सो। जब तक आप न कहें, तो जब तक आप ना कहें, तो यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो गया, जब तक नहीं की बात हमने कहा था, तो अंटिल, अंटिल यू से सो आई विल नॉट गो। जब से आप आए हैं तब से काम अच्छा हो रहा है, तो जब से आप आए हैं, सिंस द टाइम यू केम, जब से आप आए हैं, सिंस द टाइम यू केम, तब से काम अच्छा हो रहा है, द वर्क इज गोइंग ऑन वेल। जब से आप आए हैं, सिंस द टाइम यू केम, द वर्क इज गोइंग ऑन वेल, सिंस द टाइम यू केम, द वर्क इज गोइंग ऑन वेल। जब बारिश, अगला सेंटेंस देख लो, जब बारिश होती है तब बहुत मच्छर हो जाते हैं, जब बारिश होती है तो बहुत मच्छर हो जाते हैं। वेन इट रेन्स सो मैनी मॉस्किटोज आर क्रिएटेड, वेन इट रेन्स सो मैनी मॉस्किटोज आर क्रिएटेड,
When it rains, so many mosquitoes are created. जब तक आप ना आए मैं यहीं रहूँगा, जब तक आप ना आए मैं यहीं रहूँगा. Until you come, I will remain here. Until you come, I will remain here. इस तरह से सेंटेंस आप देख सकते हैं. अगले सेंटेंस देखिए, बात हम लोग यदि, अब हम बात करें यदि का, तो यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं करोगे. यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं करोगे. तो if you don't read, यदि के साथ बात हो सकता है, if के साथ will नहीं लगाएंगे हम लोग. तो if you don't read, you will not get pass, या you will not succeed. यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे. unless you read, you will not get pass. unless you read, you will not get pass. Unless के साथ, if के साथ हम लोग will या shall का प्रयोग नहीं करते. Unless हो, until हो, if हो, इन सब के साथ हम will का प्रयोग नहीं करते. और इस सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस आप कर सकते हो. मैं दो तीन बातें आपको बोर्ड पर समझा रहा हूँ. जैसे मान लेते हैं कि यहाँ हमने कहा if, यहाँ पे हमने कहा until, यहाँ पे हमने कहा unless, यहाँ पे हमने कहा when, यहाँ पे हमने कहा when, यहाँ पे हमने कहा whenever, यहाँ पे हमने कहा whatever, यहाँ पे हमने कहा even if. इन सारे शब्दों के बाद हमेशा कोशिश करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आप करने का प्रयास करना. इनके बाद कभी भी will या shall का प्रयोग नहीं करना, ये कोशिश करना है. ऐसा करना गलत हो जाएगा, ऐसा करने से आपका गलत हो जाएगा. सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करना और आने वाले क्लाउज के साथ आप यहाँ पे विल या शैल का प्रयोग कर सकते हो. जैसे हमने कहा अनटिल यू कम, अनटिल यू डोंट कम नहीं होगा. हमने यही तो लिखा था पहले, अनटिल यू कम. हमने जोड़ना सिखाया था, अनटिल यू कम आई विल स्टैंड हेयर, अनटिल यू गो शी विल स्टैंड देयर, अनटिल यू डोंट गो नहीं, अनटिल यू डोंट कम नहीं. चूंकि अनटिल के साथ कभी भी डू या डज का प्रयोग नहीं करते. ये ध्यान, अनटिल के साथ कभी डोंट या डजंट का प्रयोग नहीं करते. क्योंकि अनटिल अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नो या नॉट नहीं लगाता. इसके इन दोनों के साथ नो या नॉट नहीं आता. क्योंकि ये दोनों कैसे वर्ड हैं, ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं. समझ रहे हो बालक. वेन के साथ आप नॉट लगा सकते हो. वेन एवर जब कभी, इफ मतलब यदि, इसका मतलब जब तक नहीं, वेन मतलब जब, वेन एवर जब कभी, वाट एवर जब कभी भी, इवन इफ मतलब चाहे, है ना. तो वाट एवर, वेन एवर जब कभी तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें पैसा दूंगा. वेन एवर यू कम टू मी, वेन एवर यू विल कम टू मी नहीं होगा, वेन एवर यू कम टू मी, वेन एवर यू कम टू मी. अगर हमने बोले जब कभी तुम आओगे, वेन एवर यू विल कम टू मी, तो गलत हो जाएगा. इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको कि इन सारे शब्दों के बाद विल या सेल मत लगाना. इसके पहले जो कंजंक्शन दिया हमने उस सेंटेंस को ध्यान रखना. तो इसके साथ विल या सेल या विवन का अदर वर्ड का प्रयोग होता है. तो इन सारे चीजों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है. ये सब चीज को लिख लो, याद कर लो, तब आपको याद हो जाएगा. जब कभी तुम मेरे पास आओगे, वेन एवर यू कम टू मी, वेन एवर यू कम टू मी, आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ मनी, आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ मनी. इस तरह से ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको याद करवाएगा और एग्जाम तक आपका साथ देगा. इस वीडियो को बहुत बार हर बच्चों को दीजिए, उनकी आवश्यकता है और जरूरत है. पूरा देखने के लिए सबों का धन्यवाद.